हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ उबले हुए आलू की भुजिया। आलू मैंने पहले से उबाल के रख दिया है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने राई का तेल पहले गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हींग डाल दिया है, एक लाल मिर्चा डाला है, हमने लहसुन डाल दिया है, और कड़ी पत्ता डाला है, फ्रेंड्स हमने आधी डाला है छोटा टुकड़ों में, थोड़ा सा हम भूलेंगे फ्रेंड्स, मेरा लहसुन अच्छे तरीके से लाल हो जाए। फ्रेंड्स मेरा लहसुन थोड़ा लाल हो गया है, अदरक भी, अब हम प्याज डाल देंगे। हमने हरा वाला प्याज लिया है फ्रेंड्स, मेरा प्याज लाल हो गया है, हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा, हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। हमने लाल मिर्चा का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स हमने कलौजी का मसाला डाला है, ये हमने वीडियो में हमने डाला हुआ है मसाला, थोड़ा हम और मिक्स करेंगे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से। अब उबला हुआ आलू डाल देंगे अच्छे से फ्रेंड्स, हमने भूज लिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, हमने हरा मिर्चा लिया है फ्रेंड्स, हम वो भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स कटा हुआ धनिया डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हरा हुआ प्याज हमने डाल दिया है फ्रेंड्स, कटा हुआ धनिया डाल दिया है, नींबू का रस डाल दिया है फ्रेंड्स। ये भुजिया बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।